हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। मैंने एक्चुअली कल जो वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैंने कल बना ली थी। तो कल मैंने बनाई थी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाए थे मैंने, जो जो मैंने सबमिट किया था, क्योंकि सारे वो मेरे मोबाइल पे थे और वो सारे के सारे मैंने जेरोक्स कॉपी करवा लिया था मैंने। और सोचा कि आपको एक एक डॉक्यूमेंट दिखाऊँ जो मैंने VFS में सबमिट किए थे सेकेंड टाइम पर। फर्स्ट टाइम पे तो मेरा रिजेक्शन हो गया था, आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया था वीडियो में। तो फिर वही हो गया, मैंने अपलोड तो कर दिया, नाइट को बनाया था मैंने, सोचा कि सुबह बनाऊंगा थंबनेल तैयार करके। लेकिन सुबह मुझे मेल आती है, क्योंकि मैंने पब्लिक नहीं किया था वीडियो को, मेल आती है कि आपका जो वीडियो है ये सही नहीं है। जैसे मेरा लास्ट टाइम मेरा जो वीडियो इन लोगों ने यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था मेरा TRC के रिगार्डिंग में, क्योंकि इसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट अपने दिखा रहा था मैं, इसलिए इन लोगों ने फिर से वही काम कर दिया। तो फिर अब मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बताऊँगा वर्बली VFS में मैंने डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट किया था। तो सबसे पहले तो जो मेरा जो रिजेक्शन जब हुआ था वो भी पेपर मैंने दिखाए थे कि ये मेरा पेपर था जो रिजेक्शन हुए थे। अब मैं दिखाऊँगा नहीं, अब क्या पता फिर से डिलीट ना कर दे, तो अब रिस्क नहीं लूँगा मैं। सबसे पहले तो ओरिजिनल पासपोर्ट जो आपने सबमिट करना होता है, सेकेंड नंबर पर आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो कंपनी की तरफ से होता है, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। और थर्ड नंबर पे था इनविटेशन लेटर। कॉन्ट्रैक्ट लेटर और इनविटेशन लेटर मेक श्योर दोनों ओरिजिनल होने चाहिए। अगर तो आपकी कंपनी बहुत तगड़ी, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये बहुत तगड़ी कंपनीज हैं, अगर ये आपको जेरोक्स कॉपी भी उसकी सेंड करती हैं, स्टम्पिंग होनी चाहिए उस पर, तो नोटरी वगैरह अगर हो तब भी चलेगा। और उसके बाद अकोमोडेशन प्रूफ, तो ये भी अगर ओरिजिनल हो तो मच बेटर है, अगर इसकी जेरॉक्स कॉपी है पर नोटरी सारा किया हो, है ना, तब भी चलेगा। और उसके बाद प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, ये उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद एयर टिकट, फिर PCC, फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट। मैंने एजुकेशन सर्टिफिकेट मैंने जमा नहीं कराया था, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो गया है, थोड़ा सा पानी वगैरह मिक्सअप हो गया, ठंडा पानी पी लिया, और यहाँ पर मौसम भी सही नहीं है। अभी रात को बहुत ठंड होती है और सुबह भी बहुत ठंड होती है, लेकिन दिन में बहुत गर्मी है, मतलब अभी अभी बाहर गर्मी धूप है वैसे। उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर, फिर कोविड सर्टिफिकेट, फिर कवर लेटर। कवर लेटर में क्या होता है कि जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो वो कवर लेटर अलग होता है, और जब आप सबमिशन करते हो वो कवर लेटर अलग होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है कंपनी की तरफ से, अब मुझे वीज़ा चाहिए, ऐसे करके आपने लिखना होता है। और एक होता है शेंजन फॉर्म, ये 3 पेजेस का फॉर्म होता है, इस पर आपकी फ़ोटो लगती होती है यूरोपियन स्टैंडर्ड साइज़ की, जैसे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है ना, वही फ़ोटो लगती होती है, लेकिन वो होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। एंड पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपीज, आई थिंक 36 पेजेस होते हैं, वो सारे सारे लगते होते हैं। और अगर आप डिलीवरी में आ रहे हो या किसी भी ड्राइवर के लिए आ रहे हो तो आपको लाइसेंस ज़रूर लगाना है। मैंने गलती की थी, मैंने फर्स्ट टाइम लाइसेंस नहीं लगाया था दोस्तों, तो मे भी हो सकता कि इसलिए मेरा रिजेक्ट हो गया था ना, तो मैंने लाइसेंस लगाया ही नहीं था। तो ये सारे हैं सर्टिफिकेट, टोटल 15 जो कि आपको लगाने हैं। 15 डॉक्यूमेंट आपके ये लगेंगे ही लगेंगे। अगर स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ एक्सपीरियंस से मतलब होता है, आपकी एजुकेशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है उनको। अगर आप नॉर्मल काम के लिए आ रहे हो, जैसे ड्राइवर के लिए आ रहे हो, हाउसकीपिंग के लिए आ रहे हो, क्लीनिंग के लिए आ रहे हो, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आ रहे हो, इन काम के लिए एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, सब चलेगा। लेकिन आप हाईली प्रोफाइल जॉब के लिए आ रहे हो, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कैशियर हो गया, इन काम के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपको अपना स्कूल का एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। तो PCC के लिए बता दूं मैं आपको कि PCC कई लोग करवाते हैं, कई नहीं करवाते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बिना PCC का भी उनका काम बन गया है। लेकिन आप अगर आप जॉब के लिए आते हो, जैसे ड्राइवर के लिए आ रहे हो, टैक्सी ड्राइवर के लिए, तो आपको आते समय PCC जरूर करा लेना है। बिना PCC के आपको यहाँ पे काम नहीं मिलने वाला, टैग नहीं मिलेगा आपको, टैक्सी टैग नहीं मिलेगा अगर आप PCC नहीं लेके आते हो। तो ये थी आज की वीडियो। मेरे को वीडियो में यही बताया, लोगों ने मुझे मैसेज किया कि साउंड बहुत कम आता है, तो मुझे आप बताना जरा कि ये सबको परेशानी है अभी साउंड की, या कई की है, क्योंकि मैंने भी एक दो बार सुनी है मैंने अपनी वीडियो, मुझे लगा नहीं वैसे साउंड का। अगर आया तो मुझे बता देना, मैं ताकि इम्प्लीमेंट कर सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को।